नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है रेतिकालीन काव्य, उसमें हम कवि भूषण जी के पद हैं उनकी व्याख्याएँ कर रहे हैं। कवि भूषण जी जिनकी ये भूषण है, जो प्यारे विद्यार्थियों इनकी उपाधि का नाम है, कहते हैं इनका वास्तविक नाम तो पूरा जो है नहीं पता है, लेकिन कई विद्वान कहते हैं इनका वास्तविक नाम घनश्याम था और भूषण इनकी उपाधि थी जो कि सोलंकी राजा ने इनको दी थी। तो शिवाजी महाराज है भूषण कवि, ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार इनकी भाभी ने इनको नमक को लेकर के जो है इनको ताने मार दिए थे और बाद में इनको भी क्रोध आ गया और अपनी भाभी को ये कह के गए कि अब तो हम खुद ही जो नमक है वो खरीदेंगे या कमाएंगे और नमक खरीदेंगे। और बाद में जब वो शिवाजी महाराज के आश्रम में चले गए थे और छत्रसाल शिवाजी महाराज और छत्रसाल जी महाराज के आश्रम में रहे और अपनी काव्य रचनाओं की प्रतिभा से इतने पैसे कमाए, तो कहते हैं कि लाखों का रुपयों का जो नमक है वो अपनी भाभी के लिए भिजवा दिया था। तो इस प्रकार की एक किंवदंती या मान लीजिए इनके बारे में वृत्तांत वो आता है। तो कवि भूषण जी राष्ट्र भाव से ओतप्रोत रचना वो करते हैं, वीर रस के भाव इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। छत्रसाल महाराज और शिवाजी महाराज की जो वीरता का वर्णन है वो उन्होंने अपने काव्य रचना में की है। तो ये जो पद है वो शिवा शौर्य वर्णन शीर्षक से हैं और शिवा भावनी काव्य संग्रह से संग्रहित है। शिवा शौर्य यानी शिवाजी महाराज, छत्रसाल शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन इन्होंने किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इनके पदों की व्याख्या है वो लेकर के हाजिर हैं। तो पहले इस पद को लेकर के देखते हैं, तीसरा और चौथा जो पद है आपके पाठ्यक्रम में है, वो आपके पुस्तक में है, उनकी व्याख्या हम करते हैं। कि साजी चतुरंग से न रंग में उमंग धारी सर जा शिवाजी जंग जीत न चलत है। भूषण बनत नाद विहद नगारन के नदी नद मद गेबरन के रलत है। कि एल फेल खेल बेल खलक में गेल गेल, कि एल फेल खेल कि बेल खलक में गेल गेल, गजन की टेल पेल सेल उल सत है। कि तारा सुतर निधुरी धारा में लगत जिमी था, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो था छंद का वाचन और ये जो छंद है वो भूषण कवि जी का प्रिय छंद है। ठीक है, अधिकतर रचना इन्होंने कवि तौर सवैया क्या नाम ये छंद में की है इन्होंने। तो ये छंद है वो कवित छंद है, मनहरण कवित छंद है। ठीक है, और ये भाषा है वो ब्रज भाषा इन्होंने काम लिया। ब्रज भाषा में इनके कई शब्द अरबी फारसी उनका एक तरह से मिश्रण भी है, उन्होंने अपने पदों में इस प्रकार की कई भाषाओं का सम्मिश्रण किया है, लेकिन मूल भाषा कहते हैं जो है इनकी वो ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा में ये रचना है, कविता मनहरण छंद है। अब देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं। साजी का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों सजाकर, चतुरंग का अर्थ होता है चतुरंग सेन का अर्थ हो गया चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी सेना। और चतुरंगी सेना में प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हैं कोई भी राजा महाराजा जब किसी शत्रु सेना पर चढ़ाई करता था तो उनके पास में जो है रथ हाथी घोड़े और पैदल, ये चार प्रकार की सेना वो सजा करके जाता था, या इस प्रकार की सेना उनके पास होती थी जिनको चतुरंगिणी सेना कहते हैं। और रंग में, रंग का मतलब यहाँ पर जोश से भर करके, उमंग मने उत्साह जोश भर करके, धारी मने धारण करके या रख करके। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा सरजा। सरजा एक प्रकार की इनकी उपाधि है। ठीक है, सरजा राजा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जंग मने युद्ध, जीतन मने जीतने के लिए। शब्दार्थ पर थोड़ा सा प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान रखिएगा, शब्दार्थ आ गए तो सरलार्थ करना बहुत सरल रहेगा। चलत मने चलते हैं, भूषण भनत मने भूषण कवि है ये, भूषण कवि। भनत मने वर्णन करना या कहना, वर्णन या कहना।
नाद मन ध्वनि आवाज, विहद का अर्थ होता है अत्यधिक यानी बड़े बड़े, अत्यधिक बड़े। नगारन का अर्थ आप जानते हैं नगाड़े, युद्ध के जो नगाड़े होते हैं जोर जोर से बजते हैं तो सेनाओं में क्या आता है, जोश उत्साह का भाव आ जाता है, इसीलिए नगाड़े बजाए जाते थे, युद्ध की घोषणा वो करते थे, युद्ध घोष होता था और उससे सेनाओं में, सैनिकों में एक तरह से उनको प्रेरणा मिलती थी युद्ध करने की, जोश उत्साह उमंग उनमें भर जाता था। नदी मन नदियों में, यहाँ पर नदियों का अर्थ साथ मिलेंगे, नदी नद का अर्थ होता है नाला, छोटे नदी, तो नदियों नाला में मद एक तरह से नशा या मस्ती, ठीक है, इसका अर्थ होता है। गेबरन मैंने हाथी, के रलत मैंने बहते हैं, एल फेल का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों कोलाहल या फिर शोर, सैनिकों का पैदल हाथी रथ इस प्रकार से सबका जो शोर हो गया सैनिकों का, जब सैनिक कदम ताल करते हैं चलते हैं और एक साथ युद्ध के लिए जब चलते हैं तब उनके पैरों से उनकी चापों से जो है कोलाहल मच जाता है, भयंकर गर्जना होती है, शोर होता है। खेल फेल का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो है भीड़ समूह है, ठीक है ना, भीड़ भाड़ या उनका जो समूह है सैनिकों का। खेलक का अर्थ होता है संसार में विश्व में खली खेल गेल, गेल गेल का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों गली गली। गजन का अर्थ हो गया प्यारे विद्यार्थियों हाथियों, ठीक है ना, बड़े बड़े जो अच्छे श्रेष्ठ हाथी है गजन गजराज। ठेल फेल का मतलब होता है उनका जो समूह टकराहट उनकी होती है, टकराहट, ठीक है, हाथियों की जो टकराहट है या हाथियों की जो क्या नाम, हाथियों की जो भीड़ है, रेल पेल है एक तरह से टकराहट कह सकते हैं, उनकी जो भीड़ है या उनके रेल पेल कह सकते हैं, रेलम पेल हो जाते हैं हाथी है वो, भीड़ उनकी अत्यधिक भीड़ के कारण है वो। बड़े बड़े सेल का अर्थ होता है पहाड़, सेल में ना पहाड़। उल सत्कार होता है प्यारे विद्यार्थियों उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं जब हाथी चलते हैं, उनके टकराहट उनकी भीड़ से उनकी रेलम पेल से बड़े बड़े पहाड़ है वो उखड़ जाते हैं। तारा सोतरनी मन तारे के समान, तारा मन तारे, सौ मन समान या जैसे, तरनी का अर्थ होता है सूर्य यहाँ पर, ठीक है, तो सूर्य के समान तारा हो जाता है। धूरी धारा मन अत्यधिक उड़ती हुई धूल, अत्यधिक उड़ती धूल में, धूल की धारा या धूल के प्रवाह में, ठीक है, तो धूल के प्रवाह में धारा में लगत, इसका तो धूरी धारा मैंने अत्यधिक उड़ती हुई धूल के जो प्रवाह में लगत मैंने लगता है प्यारे विद्यार्थियों लगता है, जिमी मैंने जैसे। और थारा, थारा मैंने थाली पर, थाली पर जैसे पारा, पारा का अर्थ होता है यहाँ पर पारा धातु, या इसको दूसरे रूप में हम पानी के अर्थ में भी ले सकते हैं, ठीक है। पारावार का अर्थ होता है समुद्र सागर, यूँ मैंने इस तरह इस प्रकार, हलत मैंने हिलते हैं हिल रहे हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, शब्दार्थ का थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा ताकि आपको सरलार्थ करना, व्याख्या करनी सरल हो जाती है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश कवि भूषण जी द्वारा रचित शिवा भावनी काव्य संग्रह में संग्रहित शिवा शौर्य वर्णन शीर्षक से उद्धृत है और इसमें कवि भूषण जी ने शिवाजी महाराज के अत्यधिक शौर्य का वर्णन वो किया है, ठीक है, अत्यधिक शौर्य का वर्णन इसमें किया गया है। शिवाजी महाराज की जो विशाल सेना है उसकी उसका उसकी जो विशालता है, विशाल सेना की जो विशालता है या उस किस प्रकार से बड़े उत्साह और वीरता के साथ वो शत्रु सेना पर चढ़ाई करते हैं, तो उनका चमत्कारी या अतिशक्ति वर्णन इसमें किया गया है।
देखिए, साजी चतुरंग सेन रंग में उमंगधारी सरिजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो शिवाजी महाराज, भूषण कवि कहते हैं, जब शिवाजी महाराज जो है अपनी चतुरंगिणी सेना को, चतुरंग सेन मैंने चतुरंगिणी सेना को साजी मैंने सजा करके, जब शिवाजी महाराज शत्रु सेना पर जीत युद्ध जीतने के लिए चतुरंगिणी सेना को सजा करके जाते हैं युद्ध के लिए, प्रयाण करते हैं, प्रस्थान करते हैं, तो उस समय वो स्वयं अपने अच्छे घोड़े पर सवार होते हैं और अपनी सेना के साथ में जब वो जाते हैं चतुरंगिणी सेना के साथ, तो उस समय जो है वह बड़े उत्साह के साथ में रंग में उमंगधारी मने बड़े उत्साह जोश और उत्साह को धारण करके रख करके शत्रु सेना पर युद्ध के लिए वह है चढ़ाई करते हैं या युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान है वो करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, आपको समझ में आ गया होगा, शिवाजी महाराज अपनी चतुरंगी सेना को सजा धजा करके बड़े उत्साह और जोश के साथ जोश को रख करके या धारण करके युद्ध जीतने के लिए जो है शत्रुओं पर चढ़ाई करते हैं। भूषण बनत नाद विहद नगारने के, और उस समय जब युद्ध होता है और युद्ध क्षेत्र में जो है भूषण कवि वर्णन करते हैं, बड़े बड़े जो युद्ध के नगाड़े बजने लगते हैं, बड़े बड़े युद्ध के क्या लगने लग जाते हैं, बड़े बड़े युद्ध के जो नगाड़े हैं वो बजने लग जाते हैं, धम 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 भयंकर गर्जना करते हैं, और उनकी गर्जना से जो है शत्रुओं में तो भय कंपन होता है और उनके जो सैनिक है उन सैनिकों में वीरता का भाव, जोश का भाव पैदा होता है। तो भूषण है भनत, भूषण का भी वर्णन करते हैं या कहते हैं कि शिवाजी महाराज की सेना में बड़े बड़े जो नगाड़े हैं वो भयंकर गर्जना करते हैं, जो दूर दूर तक सुनाई देते हैं, जिससे शत्रु सेना में भय व्याप्त हो जाता है और शिवाजी महाराज के सैनिकों में जोश उत्पन्न होता है, उमंग उत्पन्न हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा, नदी नद मद गेवरन के रलत है, यानी नदी नद मद गेवरन के रलत है, गेवरन का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों हाथी। तो जो हाथियों के कहते हैं, हाथियों के जो गाल या कान है वहां से जो है हाथियों की मस्ती से जो एक धारा प्रवाह होती है जिसको मद कहा जाता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जिसको ये जो यहाँ स्थान है कहते हैं कि यहाँ से जब हाथी मस्ती में उमंग में होता है तो यहाँ से एक तरह से मवाद सा या एक रस सा टपकता है, रिश्ता रहता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर बताया है कि जब हाथियों के गेबरन का मतलब हाथियों की मद से, हाथियों की मस्ती से इस प्रकार से जो है रस है या जो हाथी की जो मदमस्तता है वो इस प्रकार से बहती है कि उससे नदी और नालों में बाढ़ आ जाती है, नदी बड़े बड़े नदी नाले हैं वो बन जाते हैं हाथियों की मदमस्ती से, हाथियों की मस्ती से मद से बड़े बड़े जो नदी और नाले हैं वो बन जाते हैं, नदी नालों के रूप में बहने लग जाते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाथियों के मद के बारे में बात कही जा रही है। और एल फेल खेल भेल खले कमे गेल गेल, एल फेल मैंने शोर होता है, खेल भेल मैंने भीड़ भाड़ जो समूह है उन सैनिकों का, पैदल हाथी घोड़े और रथ का जो समूह है, तो उस समूह से जब एक साथ युद्ध के लिए जब प्रस्थान करते हैं तब उस रास्ते में उस मार्ग में भयानक शोर होता है, अत्यधिक कोलाहल शोर है उमड़ता है, और जो उन भीड़ के कारण जो टकराहट के कारण है वो संसार की गली गली में उनका शोर है वो सुनाई देता है। उन भीड़ उस समूह के यानी जो सैनिकों का समूह है, पैदल हाथी और जो भी है उन चारों चतुरंगिणी जो सेना है, जब सज धज करके जब युद्ध के लिए प्रस्थान करती है तब उसकी भीड़ से पूरे संसार की गली गलियों में शोर व्याप्त हो जाता है, ठीक है, पूरे गली गली में शोर कोलाहल सा मच जाता है। गजन की ठेल पेल सेल उस रत है, कहते हैं हाथियों की, गजन मैंने श्रेष्ठ जो हाथी गजराज, उन हाथियों की टकराट से, उन हाथियों की रेलम पेल या भीड़ से बड़े बड़े क्या उखड़ जाते हैं, पहाड़ भी उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े हाथियों की उन हाथियों की ठेलम ठेल से जब हाथी उस रास्ते से जाते हैं तो बहुत सारे हाथियों की हजारों की संख्या में जो हाथी होते हैं तो उनके परस्पर एक दूसरे की घर्षण से एक दूसरे से रेलम पेल उनकी होती है, तो उस भीड़ से बड़े बड़े हाथी भी, क्षमा करना, बड़े बड़े जो पहाड़ है
वो भी उल्लेखित है मैंने, उखड़ जाते हैं। तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत जिमी, जिमी मैंने जैसे जैसे उस समय जब पैदल जो सैनिकों का समूह जब उस क्षेत्र में जब चलता है यानी गली में जब चलता है युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करता है, तो उस समय उन सैनिकों की कदम ताल से, उन सैनिकों के पैरों से, हाथियों के पैरों से, रथ के कारण और जो अश्वरोही है उनके कारण जो है बहुत सारी धूल उड़ती है आकाश में, और वह धूल की जो अत्यधिक उड़ती हुई धूल के प्रवाह में जो सूर्य हैं, सूर्य भी प्यारे विद्यार्थियों जो आकाश में धुंध सी छा जाती है वो भी धूमिल होकर के तारे के समान छोटा सा नजर आता है। ये बात कहना चाहते, बड़ी बड़ा चढ़ा करके बात कही है भूषण कवि ने कि उस समय आकाश में चारों ओर है वो धूल के बादल से गुब्बार सा छा जाता है और उस धूल के कारण सूर्य भी एक छोटा सा तारा नजर आता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अत्यधिक उड़ती हुई जो धूल के प्रवाह में सूर्य भी तारे के समान है वो लगता है, जैसे लगत जिमी लगत मैंने जैसे तारे जैसा, तारे के समान है वो जैसे लगने लग जाता है यानी फीका है वह धुंधला सा नजर आता है। और थारा पहरे पारा पारा वार यूं हलत है, तो इस वो जब शत्रु सेना के ऊपर जब चढ़ाई की जा रही है उस समय जो सैनिक है सैनिकों की भीड़ से ऐसा लगता है जैसे कोई समुद्र है वो हिलोरे मारने लग जाता है, और उसको ऐसा देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई थाली में रखा हुआ कोई पारा धातु हो और वो इधर उधर हिलने लग जाता है। जैसे थाली में रखा हुआ पारा धातु होता है, विज्ञान में धातु माना जाती है ये पारा, तो उसको थाली पर रखा जाता है तो इधर उधर डोलने लग जाता है, हिलने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उपमा दी है, ऐसे बताया गया है कि उन शिवाजी महाराज के सैनिकों के और उन हाथियों के अत्यधिक भीड़ के कारण, समूह के कारण समुद्र भी इस प्रकार से हिलने लग जाता है जिस प्रकार से थाली में पारा हिलने लग जाता है, या थाली में रखा हुआ पानी जिस प्रकार से हिलने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से समुद्र जो है हिलने लग जाता है उनकी भयंकर गर्जना से, भयंकर शोर भीड़ समूह से जो है समुद्र भी हिलने लग जाता है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर अति से वर्णन वो किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा, और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आप लिखेंगे कि इसमें कवि की कल्पना भी दिखाई गई है, कवि की कल्पना का जो चमत्कार है वो अतिशय वर्णित है वो किया गया है। कवि भूषण जी की जो है कल्पना अतिशय वर्णन है वो इसमें किया गया है, कल्पना का चमत्कारी वर्णन किया गया है। साथ ही एक बात आप ये भी लिख सकते हैं कि शिवाजी महाराज का जो शौर्य है वो ओजस्वी वर्णन है वो इसमें किया गया है, शिवाजी महाराज का ओजस्वी वर्णन किया गया है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अलंकारों की बात करें तो उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या उत्प्रेक्ष अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है जिमी में आ गए, उपमा अलंकार है, और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो है यमक और पुनरुक्ति अलंकार आपके उत्प्रेक्षा है, विप्सा अलंकार है, और एक शब्द बार बार आ रहे हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। पुनरुक्ति प्रकाश और यमक अलंकार में इतना ही फर्क होता है प्यारे विद्यार्थियों कि पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द वही का वही आ जाता है और उसका अर्थ नहीं एक ही रहता है, तो वो पुनरुक्ति होती है, बार बार आ गई वही बात आ गई। और यमक अलंकार में शब्द तो अलग दोनों एक जैसे से रहते हैं, ठीक पुनरुक्ति में भी एक जैसे से रहते हैं लेकिन पुनरुक्ति में शब्दों का अर्थ एक ही रहता है, जबकि यमक में शब्दों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, इसमें विप्सा अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और ये अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार है। और छंद की बात करें तो कवितिया मनहण कवि छंद है, भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का वर्णन किया गया है, रस की बात करें तो इसमें वीर रस की भावना प्रकट हुई है, वीर रस का भाव इसमें व्यक्त हुआ है। चलिए विद्यार्थियों, ये पद आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो। अगला पद देखिए कि ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, कि भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती है, कि भूषण बनत शिव राजवीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है, भूषण
बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती तीवे नगन जड़ाती है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये पद बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और यमक अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम मान सकते हैं। इसमें बहुत जगह यमक अलंकार जो है छुपा हुआ है या यमक अलंकार की प्राप्ति इसमें होती है, तो बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है यमक अलंकार के लिए और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये परीक्षा में आया हुआ है, तो इसको ठीक से आप पढ़ेंगे। अब इसका अर्थ हम देखेंगे, पहले प्रश्न में आप लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश कवि भूषण जी द्वारा रचित शिवा भावनी काव्य संग्रह में शिवा शौर्य वर्णन शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है। और इसमें कवि भूषण जी ने शिवाजी महाराज के शौर्य का और शत्रु सेना की जो स्त्रियां हैं वो किस प्रकार से शिवाजी महाराज के वीरता और शौर्य से भयभीत हो जाती है, उसका वर्णन किया गया है। तो ठीक है, पहले शब्दार्थ देखते हैं। ऊंचे घोर, ऊंचे मन ऊंचे ऊंचे, ऊंचे व घोर मन बड़े, मंदिर मन महलों में भवनों में, अंदर रहने वाली रहती थी। पहले की और अब की स्थिति बताई जा रही है, यानी जब मुगल स्त्रियां शिवाजी महाराज के भय से व्याप्त नहीं थी उस समय, और अब शिवाजी महाराज की भय से व्याप्त हैं, तो उस समय की स्थिति बताई जा रही है। और ऊंचे घोर मंदिर, अब ऊंचे ऊंचे पर्वत के लिए, ऊंचे जो पर्वत के लिए शब्द आया है, घोर घन घोर घरे, मंदिर का अर्थ हो गया गुफाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, अंदर मन अंदर रहती मन रहती है, या तो रहती थी या रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल का अर्थ हो गया मेवा मिष्ठान, ठीक है ना, पकवान का भोग करे मने भोजन करे, भोजन करती थी या करती थी हो गया, ठीक है, करे करती थी। अब कंदमूल भोग करे, अब तो पेड़ पौधों के, पेड़ पौधों के कंद जड़ मूल खा करके जो है जीवित रहती है, भोग करती है, खाती है, ठीक है, अर्थ आएगा अब आपको बताएंगे, सरल है, आपको आता होगा, कई बार हो पिछले आपके जो है हिंदी साहित्य में आपने पढ़ा होगा। तीन बेर खाती थी, यानी पहले वो तीन बार भोजन करती थी, बेर का अर्थ यहाँ पर बार से हैं, तीन बार दिन में जो है, दिन में तीन बार खाती थी। तेवे यानी वे स्त्रियाँ जो शत्रु पक्ष की है, मुगल स्त्रियाँ हैं, वे अब तीन बेर खाती है, केवल तीन बेर फल, ठीक है ना, बेर फल है, बेर फल खा करके जीवन यापन करती है, ठीक है। अब भूषण शीतिल का अर्थ, प्यारे विद्यार्थियों, भूषण का अर्थ होता है आभूषण, यहाँ पर गहने, आभूषण गहने, गहनों से क्या हो जाता है, शीतिल मने थक जाता है, ढका हुआ जो उनका शरीर है, अंग मने शरीर के अंग, जो शरीर के अंग पहले आभूषणों से ढके हुए रहते थे और वो पहनती पहनती स्त्रियां थक जाती थी, इतने आभूषण पहनती थी। अब देखो भूषण है, अब भूख से पीड़ित होकर के, अब इस भूषण का अर्थ हो गया भूख, ठीक है ना, तो भूख से पीड़ित होकर के क्या हो जाती है, शिथिल मने कमजोर दुर्बल हो गई है, उसके शरीर के अंग क्या हो गए हैं, ठीक है, शरीर के अंग जो है भूख से क्या हो गए हैं, अब सरल अर्थ है, समझ में आ जाएगा, बहुत ही सरल है। विजन डुलाती थी, जो पहले शत्रु सैनिकों की स्त्रियां, विजन मन पंखे, पंखे करती थी, डुलाती थी, डुलवाती थी। ते वे मन वे स्त्रियां विजन डुलाते, विजन वी मन बिना, जन मन व्यक्ति के, आदमी के, यानी सुनसान निर्जन, सुनसान निर्जन, डुलाती मन भटकती है, डोलती है,
ठीक है, इसका अर्थ हो गया भूषण बनत। बनत शब्द बार बार आएगा, भूषण का वर्ण, बनत का मतलब वर्णन करना या कहना, शब्द बार बार आएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ होता कहना। शिवराज वीर तेरे तासे, वीर पराक्रमी शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज ए वीर पराक्रमी शिवाजी महाराज, तेरे त्रास, तेरे त्रास मैंने तेरे भय से, आपके आपके भय से, क्योंकि सम्मान करेंगे आपके भय से। नगन जड़ाती तेवे, नगन मैंने नगीने, हीरे जवाहरात, हीरे जवाहरात मोती जो भी है उनसे वो जड़वाती थी, यानी आभूषण जड़वाती थी, आभूषण जड़े वे रहते थे, रहते थे। ते वे नग्न जड़ाती है, अर्थात अब वो एकदम से अल्प वस्त्र में जो है, अल्प वस्त्र में रहना पड़ता है। जड़ाती मैंने जाड़े में ठिठुरती है, ठंड में जंगल में जाड़े में ठिठुरती। अब देखो इसका अर्थ बहुत सरल अर्थ है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्यारे विद्यार्थियों शब्दार्थ देख लीजिएगा कि ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहती है, यानी शत्रु पक्ष की जो रानियां हैं, शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां हैं, जो मुगल सैनिकों की, औरंगजेब की जो भी है स्त्रियां, मुगल सैनिकों की जो रानियां या स्त्रियां थी, वो पहले जो है ऊंचे व बड़े ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े महलों में निवास करती थी। अंदर रहने वाली यानी बड़े बड़े महलों में रहने वाली जो स्त्रियां थी, वो शिवाजी महाराज आपके शौर्य और पराक्रम के भय से वो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर ही रहती है। अब वह ऊंचे ऊंचे पर्वतों की घनघोर गुफाओं में उनको जीवन यापन करना पड़ रहा है, उनको गुफाओं में रह करके अपना गुजारा करना पड़ता है। फिर देखिए कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, जो स्त्रियाँ, जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां पहले मेवा मिष्ठान पकवान का जो है पकवान खाती थी या भोजन करती थी, मेवा मिष्ठान का मिठाइयां खाती थी, मधुर मधुर मीठे मिष्ठान खाती थी, वो स्त्रियां अब कंद मूल भोग करे, यानी अब वो जंगलों में भटकती हुई पेड़ पौधों के कंद और जड़ मूल खा करके अपना जीवन यापन कर रही है। यानी स्थिति ये हो गई है कि आपके भय से वो मुगल स्त्रियां जो है जंगलों में भटकती हुई कंद मूल फल खा करके अपना जीवन जो यापन कर रही है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, जो स्त्रियां पहले दिन में तीन बार भोजन करती थी, तीन बार अच्छे अच्छे पकवान खाती थी, भोजन करती थी, वो आज वो स्त्रियां आज जंगलों में भटकती हुई तीन बेर यानी जो फल है बेर फल वो खा करके अपना जीवन यापन कर रही है, गुजारा कर रही है, किसी भी तरह से अपने आप को बचा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन बार जो भोजन करने वाली स्त्रियां आज केवल तीन बेर का फल यानी जो फल है बेर खा करके अपना जीवन गुजार रही है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग यानी कवि कहते हैं कि जो स्त्रियां मुगल स्त्रियां पहले अच्छे अच्छे आभूषणों से गहनों से उनके शरीर के अंग थक जाते थे, उनका जो शरीर के अंग है वो अनेक तरह के आभूषणों से ढके हुए रहते थे और इन बहुत सारे आभूषण पहनने के कारण उनके शरीर जो है थक जाता था, यानी इतने अधिक वो आभूषण पहनते थे उनका शरीर जो है शरीर के अंग वो थक जाते थे, शिथिल हो जाता था। लेकिन आज वो स्त्रियाँ जंगलों में भटकती हुई भूख से पीड़ित, भूषण शिथिल अंग, आज उनके शरीर के अंग भूख से पीड़ित होकर के कमजोर दुर्बल और शिथिल हो रहे हैं। ठीक है ना, कमजोर हो रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना, शिथिल हो गए हैं भूख के कारण, उनका शरीर के अंग है वो ढीले हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं। और विजन डुलाती थी वे विजन डुलाते हैं, जो मुगल स्त्रियां पहले अपने दास दासियों से जो है पंखा झालती थी, डुलवाती थी, ठीक है ना, दास दासियां उनके आगे पीछे रहते थे और वो आराम फरमाती रहती थी, शाही आराम फरमाती थी और जो दास दासियां उन पर पंखे डुलवाते थी, ठीक है ना, डुलवाते थे। और जो स्त्रियां पहले पंखे डुलवाती थी वो स्त्रियां विजन डुलाती है, यानी सुनसान जंगल में, निर्जन जंगल में, सुनसान क्षेत्र में है वो भटकती रहती है, ठीक है ना, डुलाती है माने डोलती रहती है, भटकती रहती है। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, भूषण कवि कहते हैं हे, भूषण कवि भनत मने वर्णन करते हैं, कहते हैं हे वीर पराक्रमी शिवाजी महाराज,
तेरे त्रास मैंने आपके भय से नग्न जड़ाती तीवे नग्न जड़ाती है। जो स्त्रियां पहले कभी हीरे जवाहरात के आभूषण जड़वा करके रखती थी, हीरे नगीने हीरे जवाहरात मोती आदि जड़ा करके आभूषणों में रखती थी, वो आज जंगलों में भटक रही है और वो नग्न जड़ाते यानी अल्प वस्त्रों में जाड़े में ठिठुरती हुई से अपना जीवन यापन कर रही है। जाड़ों के कारण, अल्प वस्त्रों के कारण वो अत्यधिक जो है सर्दी में ठिठुर रही है, जाड़ों में ठिठुर रही है। तो जाड़े शब्द का अर्थ यहाँ पर जो है जड़ाती का अर्थ जाड़े में, और जड़ाती का मतलब जड़ाती है आभूषण जो है गड़वा करके उसमें रखती है आभूषण नगीने गहने वो जड़वाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। विशेष वाले पॉइंट में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है जो है शिवाजी महाराज के शौर्य का जो है अत्यधिक वर्णन इसमें किया गया है। अतिशयोक्ति लगा करके यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। तो शिवाजी महाराज का अतिशय शौर्य का अतिशय वर्णन किया गया है, ये आप लाइन लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप लिखेंगे यमक अलंकार तो भरा पड़ा पूरा है इसमें, यमक अलंकार सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, अनुप्रास है ये। साथ ही साथ यमक जो कि विशेष रूप से हैं, यमक यमक सब जगह देखो, यहाँ कितनी जगह यमक है, एक, ठीक है, ये दो जगह यहाँ पर हो गया, यहाँ कंदमूल में हो गया, यहाँ पर तीन बेर में हो गया, और यहाँ पर भूषण में शिथिल भूषण में हो गया, साथ ही साथ विजन में हो गया, और नगन में हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर यमक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। श्लेष भी है और प्यारे विद्यार्थियों अतिशोक्ति भी अलंकार यहाँ पर है। मन हरण कवित छंद है, छंद आप जान ही गए, मन हरण मन को हरने वाला कवित छंद है यहाँ पर। भाषा है ब्रज भाषा है, ब्रज में भी अलग अलग मैंने कहा कि भूषण कवि ने अलग अलग भाषाओं के शब्द वो अपने काव्य में समाहित किए हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे भूषण कवि के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को ठीक से पढ़िए, ठीक है, समझिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपका भी फायदा हो और अन्य आप जैसे विद्यार्थी हैं उनका भी जो है हिंदी साहित्य से जो जुड़े हुए हैं उनका भी कुछ भला हो सके, उनको भी अच्छा लगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।